hello guys welcome to my youtube channel i am tanu i hope you all are doing well in this video we will study about weaning in my previous video i have explained about artificial feeding if you haven't watched that video you can check that video so guys without any further ado let's start the video so first of all we will study about meaning of weaning सो विनिंग का क्या मीनिंग होता है टू फ्री फ्रॉम अ हैबिट किसी हैबिट से फ्री होना प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव ट्रांसफ़र ऑफ द बेबी फ्रॉम द ब्रेस्ट फीडिंग टू द यूजल फैमिली डाइट ठीक है सो विनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्रेजुअल या प्रोग्रेसिव ट्रांसफ़र होता है बेबी का ठीक है फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग टू फैमिली डाइट सो so, इसके अंदर जो मदर होती है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाना कम करती जाती है बेबी को ठीक है बेबी को फैमिली डाइट होती है वो कंज्यूम करवाती है एक तरीके से ट्रांसफ़र हो जाता है बेबी का ठीक है ब्रेस्ट फीडिंग से जो फैमिली डाइट होती है उसमें सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट डेफिनेशन ऑफ विनिंग ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ सेमी सॉलिड फूड और फैमिली डाइट ठीक है इसमें डिक्रीज करवा देती है मदर ब्रेस्ट फीडिंग को एंड ग्रेजुअली इंक्रीज करवाती जाती है जो सेमी सॉलिड फूड होता है या फैमिली डाइट होती है उसको इंक्रीज करवा देती है नाउ वी विल स्टडी अबाउट एम ऑफ विनिंग सो विनिंग के क्या एम होते हैं फर्स्ट वन द चाइल्ड कैन टोलरेट मोर देन वन लीटर ऑफ फ्लूड पर डे सो so, जो चाइल्ड होता है वो वन लीटर से ज़्यादा जो फ्लूड होता है उसको टोलरेट नहीं कर सकता ठीक है पर डे विद हिज इंक्रीजिंग नीड्स फॉर द एनर्जी मोर सोलिड फूड शुड बी एडिड सो जैसे जैसे बेबी की जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती जाती है तो बेबी को सोलिड फूड कंज्यूम करवाना स्टार्ट करवा दिया जाता है और जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो कम करवाई जाती है टू ट्रेन जी आई टी टू डाइजेस्ट स्टार्च एंड अदर सोलिड फूड सो विनिंग का नेक्स्ट एम क्या कर होता है ट्रेन करना जी आई ट्रैक को गैस्ट्रो इंटस्ट्रीनल ट्रैक को ताकि जो हमारा गेस्ट्रो इंटस्ट्रीनल ट्रैक है वो अच्छे से डाइजेस्ट कर सके स्टार्च को एंड अदर सोलिड फूड को सो so, विनिंग ट्रेन करता है हमारे गेस्ट्रो इंटस्टिनल ट्रैक को थर्ड एम क्या होता है विनिंग का टू प्रोवाइड मिनरल्स विटामस विच कॉन्ट बी सप्लाइड बाई मिल्क अलोन एंड फॉर ग्रोथ ऑफ चाइल्ड सो विनिंग मिनरल्स विटामिन ठीक है प्रोवाइड करता है बेबी को जो इंपॉर्टेंट होती है बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सो so, मिल्क अकेला ये सब मिनरल्स एंड विटामिन सप्लाई नहीं कर सकता इसलिए जो सेमी सॉलिड फूड होता है बेबी को वो कंज्यूम करवाना स्टार्ट किया जाता है ताकि बेबी की अच्छे से ग्रोथ हो सके सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट बेस्ट टाइम ऑफ वीनिंग सो वीनिंग का बेस्ट टाइम कौन सा होता है ब्रेस्ट मिल्क कॉन्टेन हाई लेवल ऑफ इम्यूनोग्लोब्युलस एंटी बॉडीज सो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर हाई लेवल ऑफ इम्यूनोगोग्लोब्युल एंटीबॉडीज़ होती है आई जी ए जो प्रोटेक्ट करती है इमेच्योर गट होता है बेबी को इमेच्योर गट वॉल होती है जो बेबी की उसको प्रोटेक्ट करती है आई जी ए इम्यूनोग्लोब्युल एंटीबॉडीज दिनिंग शुड बी डिलेड फॉर सिक्स मंथ ऑफ इन्फेंट्स लाइफ सो सिक्स मंथ की एज के बाद ही बेबी को वीनिंग स्टार्ट करवा देनी चाहिए सो बेस्ट टाइम कौन सा होता है वीनिंग के लिए सिक्स मंथ के बाद ठीक है ये बेस्ट टाइम होता है वीनिंग स्टार्ट करवाने के लिए के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? प्रिवेंट जी आई टी ग्रेजुअल होनी चाहिए ताकि जो जी आई टी जो हमारा गैस्ट्रो इंटस्ट्रीनल ट्रैक है वो डिस्टर्ब ना हो सडन विनिंग मेकोज साइकोलॉजिकल ट्रोमा टू यंग इन्फेंट अगर सडन करवाएंगे ठीक है विनिंग को तो क्या होगा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है इन्फेंट को इन्फेंट कौन सी एज के चाइल्ड होते हैं ये बर्थ टू ट्वेंटी एट डेज के जो चाइल्ड होते हैं उनको इन्फेंट कहते हैं नाउ सेकंड प्रिंसिपल क्या होता है विनिंग शुड नॉट बी स्टार्टेड इफ़ द इन्फेंट इज अंडर वेट टू अवॉइड जी आई टी डिस्टर्बेंसेज अगर जो बेबी है वो अंडर वेट है ठीक है तो वीनिंग स्टार्ट नहीं करवानी चाहिए अदरवाइज़ जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक होता है उसमें डिस्टर्बेंसेज हो सकती है थर्ड प्रिंसिपल क्या होता है वीनिंग शुडेंट बी स्टार्ट ड्यूरिंग कन्वेल्सिस फ्रॉम एनी डिजीज अगर बेबी किसी डिजीज से सफ़र कर रहा है ठीक है तो उस टाइम पर विनिंग स्टार्ट नहीं करवानी चाहिए सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट इफ़ेक्ट्स ऑफ प्री मेच्योर विनिंग सो so, बहुत बार जो मदर होती है वो प्री मेच्योर वीनिंग करवा देती है बेबी को ठीक है उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं ठीक है बेबी के ऊपर इसके बारे में हम पढ़ेंगे अर्ली विनिंग हैज़ बिन इम्प्लिकेटेड एज कोज फूड एलर्जी इनडाइजेशन कॉन्स्टिपेशन और डायरिया अगर जो मदर होती है वो सिक्स मंथ से पहले ठीक है विनिंग स्टार्ट करवा देती है या सॉलिड फूड कंज्यूम करवाना स्टार्ट कर देती है बेबी को तो उसकी वजह से एलर्जी हो सकती है बेबी को इंडाइजेशन हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो सकती है और डायरिया की कंडीशन देखी जाती है सेकंड क्या इफेक्ट होता है विनिंग टू अर्ली इज नॉट टोलरेटेड ड्यू टू इमैच्योरिटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक लिवर एंड किडनी ठीक है अगर विनिंग 6 मंथ से पहले करवाती है बेबी ठीक है तो उस टाइम पर क्या होता है जो हमारा गेस्ट्रोइेस्टिनल ट्रैक होता है लीवर होता है किडनी होता है ये इमेच्योर होते हैं ठीक है ये जो सॉलिड फूड होता है फूड होता है उसको टोलरेट नहीं कर पाते थर्ड में रिजल्ट इन फैट और ट्रिगर एलर्जी प्रीमेच्योर वीनिंग की वजह से जो फैट होता है बॉडी के अंदर वो ज़्यादा हो सकता है ठीक है और क्या होता है एलर्जी हो सकती है ट्रिगर हो सकती है एलर्जी फोर्थ इफ़ेक्ट क्या होता है प्री मैचोर वीनिंग का इंक्रीज रिस्क ऑफ डायरिया डायरिया के जो चांसेस होते रिस्क होते वो इंक्रीज हो सकते हैं नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट टेक्निक्स ऑफ वीनिंग सो वीनिंग की क्या क्या टेक्निक्स होती है उसके बारे में पढ़ेंगे हम इट स्टार्ट एट द एज ऑफ सिक्स मंथ बाय रिप्लेसिंग मिल्क फूड बाय सेमी सॉलिड फीड सो so, जो विनिंग होती है ये सिक्स मंथ ऑफ एज जब बेबी सिक्स मंथ का हो जाता है ठीक है तब स्टार्ट करवाई जाती है इसमें रिप्लेस करवा दिया जाता है जो मिल्क होता है उसको सेमी सॉलिड फूड से नेक्स्ट न्यू फूड इज गिवन ग्रेजुअली एंड इन स्मॉल अमाउंट एट द फर्स्ट इफ़ एक्सेप्टेड बाय द बेबी जो न्यू फूड फूड होता है वो ग्रेजुअली धीरे देना चाहिए ठीक है और स्मॉल अमाउंट में देना चाहिए बेबी को अगर बेबी उसको एक्सेप्ट कर लेता है ना तभी देना चाहिए अदरवाइज नहीं देना चाहिए एंड द अमाउंट कैन बी इंक्रीज एंड धीरे धीरे जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज करना चाहिए ठीक है थर्ड पॉइंट नेवर फोर्स द इन्फेंट टू टेक न्यू फूड कभी भी इन्फेंट को फोर्स नहीं करना चाहिए न्यू फूड कंज्यूम करने के लिए फोर्थ टेक्निक कौन सी होती है प्रेजेंटेशन ऑफ फूड इज़ इम्पॉर्टेंट सो बेटर यूज़ कलरफुल अट्रैक्टिव स्पून एंड प्लेट टू स्टिमुलेट बेबी इंटरेस्ट एंड एपीटाइट जो फूड होता है उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है इम्पोर्टेंट होती है सो so इसलिए जब बेबी को फूड कंज्यूम करवाया जाता है दिया जाता है तो कलरफुल अट्रैक्टिव स्पून का यूज़ करना चाहिए फीडिंग के टाइम पर फूड की जब फीड करवा रहे हो तब और प्लेट टू स्टिमुलेट बेबीज इंटरेस्ट एंड एपेटाइट प्लेट ऐसी होनी चाहिए जो बेबी के इंटरेस्ट को स्टिमुलेट करे एंड एपेटाइट को स्टिमुलेट करे फिफ्थ टेक्निक क्या होती है न्यू फूड आइटम शुड बी इंट्रोड्यूसिंग वन एट अ टाइम यूजुअली जो न्यू फूड होते हैं वो वन एट अ टाइम देने चाहिए एक टाइम पर एक ही फूड कंज्यूम करवा देना चाहिए बेबी को यूजुअली एट द इंटरवल ऑफ फोर टू सेवन डेज सो so, जो न्यू फूड होता है ये फ़ोर टू सेवन डेज़ के इंटरवल पर ही देना चाहिए बेबी को टू अलाउ फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलर्जी ताकि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि बेबी को कौन से फ़ूड से एलर्जी है ठीक है सो फोर टू सेवन डेज़ के इंटरवल पे नया फूड कंज्यूम करवा देना चाहिए बेबी को ताकि जो एलर्जी है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके सो गाइज दैट्स इट फॉर टूडे आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक एंड इन आर नेक्स्ट Video, we will study about baby friendly hospital concept. And thank you for watching my video. And if you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.